कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। आज भाजपा नेता विनीत शारदा ने वैश्यनाथालय मेरठ में बच्चों के साथ मिलकर दीपावली पर्व हर्षोल्लास से मनाया। उन्होंने इस मौके पर बच्चों को मिठाई का वितरण किया। बच्चों के बीच पटाखे जलाते हुए भाजपा नेता ने बताया कि ऐसा कर उन्हें खुशी प्राप्त होती है। दिवाली के पर्व पर पटाखे और दिए जलाए, देखिए। बेटा आगे आओ, भाई भी इधर आ जाओ, बच्चों के साथ हो गई। ये थोड़ा सेट ले लो। इस मौके पर मीडिया से विनीत शारदा ने यह कहा, हर वर्ष की भांति मेरा जन्मदिन हो, होली हो, दिवाली हो, मैं अनाथ आश्रम में आकर अनाथ बच्चों के साथ मनाता हूँ। मुझे बड़े दिल को एक संतुष्टि मिलती है, दिल को सुकून मिलता है कि ये बच्चे जो आज इनके माता पिता नहीं, कोई नहीं, ये अभिभावक के रूप में यहाँ का प्रशासक इनका ध्यान रखता है, तो मैं इनके साथ दिवाली मना के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आज इन बच्चों के साथ दिवाली मना के इन्हें मिठाई मिष्ठान खिला के, आतिशबाजी करके, फल फ्रूट खिला के और इनको इनकी सेवा करके मैं अपने आप को धनी महसूस करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों में से ही कल कोई IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इनके साथ दिवाली बनाएंगे तो मैं सकता हूँ मेरा पूरा देश आज दिवाली बना रहा है। आज छोटी दिवाली के दिन मैं आज इन बच्चों के बीच में आया तो इन बच्चों के चेहरे की जो हंसी देखी, मुझे लगा पूरा पूरे पूरे जग आज खुश हो रहा है। आज हर घर में दिवाली का दीपक जल रहा है। इनके साथ दिवाली का दीपक जला के मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ दिवाली मना के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरठ हापुड़ लोकसभा के साथ साथ मेरठ प्रदेश और देश के सभी देवतुल्य जनता को मैं दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनको ये सबको ये दिवाली बहुत शुभ मंगल हो, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। ये दिवाली व्यापारियों के व्यापार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, माता बहनों के सम्मान में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, युवाओं को एक नया बल दे, नई शक्ति दे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा देश आज विश्व पटल पर ऊंचा भारत का नाम हो रहा है। अब मेरा भारत का नाम ऊंचा करेंगे तो यही बच्चे करेंगे। इन्हीं बच्चों के साथ मैं समझता हूं ये दिवाली बहुत खुशियां लेके आएगी और मेरा भारत बहुत ऊंचाइयां छुएगा। मेरी ओर से पूरे देशवासियों को, मेरठ वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।